हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट तरीका बताने वाले हैं जीरोधा में आप डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, 100% आपको सक्सेसफुल करके भी दिखाऊंगा। और दोस्तों, आप जब इस तरीके से आप प्रोसेस कर लेंगे, आपका ये जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका 72 घंटे के भीतर आपका अकाउंट, डीमैट अकाउंट जो जीरोधा का होता है, उस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पर आने के लिए दोस्तों मैं आपको ओपन करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप आ जाएंगे। आने के बाद से दोस्तों, अब यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है साइन अप करने के लिए। उसके बाद से कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना है। फिल करने के बाद से दोस्तों कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों, अब आपको यहाँ से आपको अपना एक नाम और अपना ईमेल आईडी डाल देना है। बाय द वे, अगर ईमेल आईडी चूज करना चाहते हैं गूगल से, तो कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन मिलेगा, देखते हैं ऊपर आपके साइड मिल रहा है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आपका नाम और ईमेल आईडी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे जो भी अकाउंट रहेगा वो चूज कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों, आपको यहाँ से आपका अपना जो पैन कार्ड नंबर डालेंगे और आपको अपना एक डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड में लिखा रहता है, वो पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल के आपको कंटिन्यू क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों, आपको यहाँ से पेमेंट करना होगा जो कि 200 रुपये का पेमेंट होता है। उसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो दोस्तों देख सकते हैं FN नो करेंसी कमोडिटी जो लिखा हुआ है, तो आपको इसको चेक मार्क करना है, जैसा कि ब्लू टिक हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हो ऊपर इक्विटी और डेप्ट में ब्लू टिक है, वैसे ही आपको यहाँ पे कर देना है, चेक मार्क करना है। तो आपको उसके पास यहाँ आई अंडरस्टैंड पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको यहाँ अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है और बारी बारी से आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। दोस्तों देख सकते हैं FN नो करेंसी सारे से आपको चेक मार्क कर लेना है। अब उसके बाद से दोस्तों, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है तो आपको पेमेंट पेज मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हैं आप UPI की मदद से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, जिस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आप अपना एक पेमेंट मेथड आप चूज कर लेंगे यहाँ से। आप जैसे कि मान लीजिए UPI पिन डालना चाहते हैं, UPI करना चाहते हैं, UPI पिन डालेंगे तो उसके बाद से आप देख, तो देख मैं अपना UPI से पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये हमारा पेमेंट का पेज खुल गया है। आप इसके बाद से पेमेंट कर देंगे तो आपका जो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद से दोस्तों, आपका जो आगे का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, तो अब आपको यहाँ पे डन वाले बटन पर क्लिक कर देना है और फिर से आप उसी पेज पर आपको वापस चले जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप आ गया है, अब यहाँ से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसके बाद से दोस्तों, आपको अपना आधार कार्ड का KYC करना होगा। अपना आधार का KYC करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको डिजी लॉकर की मदद से करना होगा। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे आपको क्लिक करना है और डिजी लॉकर में आपको ऑलरेडी पहले अकाउंट रहना चाहिए दोस्तों, वो आप ऑलरेडी बना लेंगे। और डिजी लॉकर का अकाउंट कैसे बनाया तो वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा दोस्तों, अगर नहीं आता होगा तो। अब इसके बाद से दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। डालने के बाद से नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पे OTP आएगा, वो OTP आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, हमने अपना आधार कार्ड इंटर किया, वो OTP आएगा। यहाँ पे OTP आपको यहाँ डाल के इस बॉक्स में सबमिट कर देना है। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो उसके बाद से दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से दोस्तों, आपको जो डिजिलॉकर का जो पिन होता है वो आपको पिन डाल करके डन पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार KYC का जो डिटेल्स होता है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका आज KYC सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपना डिजी लॉकर का जो पिन होता है, 6 अंक का होता है, वो पिन आपको यहाँ पे डाल के डन कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसे डन करेंगे उसके बाद दोस्तों आपका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपका आपका सारा डिटेल्स, आपको आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप अपना डिटेल्स अपना चूज करना चाहते हैं यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद से दोस्तों, जिस तरीके से आप अपना KYC कर सकें उसके बाद परमिशन अलाउ कर देंगे। अब इसके बाद से दोस्तों, आपका यहाँ पर डिटेल्स सक्सेसफुल्ली आपका ऑब्टेन हो जाएगा और यहाँ से आपका आधार KYC बिगिन हो जाएगा, यानी चालू हो जाएगा, देख सकते हैं। अब इसके बाद से दोस्तों, आपको अपना यहाँ पे पेरेंटल डिटेल्स यानी अपना प्रोफाइल डालना है कि आप मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा हैं, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे बारी बारी से आप मैरिटल स्टेटस पर अगर सिंगल हो गए तो सिंगल, न मैरिड हो गए मैरिड भी चेक मार्क करेंगे और अपने माता पिता का नाम डाल देंगे। और उसके बाद से यहाँ पे इनकम डाल देंगे बिलो 1 लाख। उसके बाद से वंस एवरी कैलेंडर क्वार्टर यहाँ पे चूज कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं वंस एवरी कैलेंडर। उसके बाद से दोस्तों, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में आपको न्यू पे आपको लिख देना है। यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मांगेगा तो न्यू पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद से ऑक्यूपेशन पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आप होंगे, एग्रीकल्चर होंगे, किसान होंगे या फिर स्टूडेंट होंगे, जो भी आप होंगे, आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर से हैं या कोई भी हैं, आप उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम अदर सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो अदर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से दोस्तों, आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है।
टिक मार्क करने के बाद से अब यहाँ से दोस्तों पूछेगा पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं कि नहीं, तो आपको नो पे सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कंटिन्यू क्लिक करेंगे, अब यहाँ से दोस्तों आपको खाता का डिटेल्स मांगेगा, तो आपको अपना खाता का IFSC कोड जो होता है IFSC कोड डालना है। माइकर कोड जो होता है ऑटोमेटिक, आपको जैसे ही IFSC कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट होके आ जाएगा। और अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर अकाउंट नंबर कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ से अपना सारा डिटेल्स डाल देंगे, यहाँ से देख सकते हैं हम अपना सारा डिटेल्स डाल लिए और सारा बैंक हमारा डिटेल्स यहाँ पर फेच होके आ गया है। अब इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका सारे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं चेक मार्क है, जो बॉक्स है इसको आपको चेक मार्क कर लेना है। उसके बाद से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों आपसे यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। परमिशन मांगे ऑन करने के लिए, यहाँ से परमिशन अलाउ कर देंगे और आपको एक सादा पेपर पर दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस तरीके से आपको सादा पेपर पर जो नंबर लिखा है, ये नंबर आपको इस तरीके से आपको कैमरा के सामने रखना है और कैप्चर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कैप्चर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फोटो कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स यहाँ से ओके हो जाएगा। अब इसके बाद से दोस्तों आप जो बैंक ने अपना खाता नंबर दिया है उसका एक कैंसिल चेक आपको यहाँ पर अपलोड करना है, नहीं तो स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं हमारा, जैसे अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से आपका कैमरा ओपन होगा और गैलरी फाइल ओपन होगा। तो जहाँ भी आप अपना फाइल रखे होंगे वहां से आपको इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद से दोस्तों यहां पे इनकम प्रूफ ऑप्शनल है, इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद से दोस्तों आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है और आपको अपना पैन कार्ड का फोटोकॉपी जो होता है, यानी फोटो जो लिए होंगे वो आपको गैलरी से अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड सारे कर देंगे सिग्नेचर और पैन कार्ड, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन ब्लू हो जाएगा, उस पर आपको टिक कर देना है। उस पर जैसे टैप करेंगे तो आपका देख सकते हैं जैसे सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया। अब उसके बाद से दोस्तों कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ से नॉमिनी का डिटेल्स मांगेगा। तो नॉमिनी का डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो आप स्किप एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं, ये बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आपका यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि ई साइन यानी साइन करना होगा, जो डिजिटल साइन होता है। तो आपको यहाँ पे ई साइन वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और उसके बाद से टर्म्स एंड कंडीशन मांगेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करेंगे और साइन नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। फिर से आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा आधार कार्ड की तरफ से, वो OTP आपको डाल के वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई जैसे करेंगे तो उसके बाद से दोस्तों आपका डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट जो आपने फिलअप किया है, सारे आपके यहाँ पे आपको डिटेल्स आपके ओपन हो जाएंगे, देखने को मिलेंगे। आपके आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपका नाम, नॉमिनी डिटेल्स, सारे कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सारा डिटेल्स आप यहाँ पे देख लेंगे, एक एक चीज़ वेरीफाई कर लेंगे, देख लेंगे कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ है। अगर कोई गलती रहेगा तो अभी इसमें एडिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर सबमिट कर देंगे, फाइनल सबमिट साइन अप करेंगे, तो आपका यहाँ पे फिर दोबारा आपका सुधार नहीं हो पाएगा। तो इसके नाते आप सारा डिटेल्स बारीकी से अपना चेक कर लेंगे, उसके बाद से साइन आउट के बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद से दोस्तों आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। उसके बाद से फिर से आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों OTP भेजेंगे, OTP आपका जैसे वेरीफाई हो जाता है उसके बाद से दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट साइंड सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाएगा। और इसके बाद से फिनिश का लास्ट स्टेप आपको यहाँ पे फिनिश वाला बटन मिलेगा, तो फिनिश वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों जैसे फिनिश करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, सब कुछ सबमिट हो जाएगा। अब उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ 72 घंटे के भीतर आपसे रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है या फिर जो उसका स्टेटस रहेगा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं Zerodha में डीमैट अकाउंट। ये थी छोटी सी जानकारी, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो एक लाइक करिए और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।